हाय, मेरा नाम रजनीश है और ये हमारा लाइफस्टाइल गैराज है जो आपके सामने प्रेजेंट है, जिसमें कि हम लोग रॉयल एनफील्ड के ऊपर या फिर आप बोल सकते हो कि जावा के ऊपर अपकमिंग बहुत सारी बाइक्स हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। तो डेडिकेटली वी आर वर्किंग ऑन रॉयल एनफील्ड के ऊपर हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने 2006 का एक वेरियंट है इलेक्ट्रा, जो कि बिफोर और आफ्टर में सर को बोलूंगा कि वो भी आपको दिखा देंगे। येस्टरडे हमारे पास एक बाइक आया था, द कस्टमर इज अ बिजनेसमैन और वो ले के लिए गए हुए थे या लद्दाख के लिए गए हुए थे, ट्रैवल कर रहे थे। और जनरली उनको एकदम प्रधानची के बारे में पता चला कि पठानकोट में है। दे केम टू मी और उन्होंने फिर मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उनकी जो लव बाइक है 2010 का मॉडल था, इट्स थंडरबर्ड 2010 350 cc, उनको उन्होंने मॉडिफाई करने के लिए हमें बोला है। दे नीड सम कस्टमाइजेशन, लाइक जो बाइक रहेगी वो सेम एडिटिव जो हमारी रेबल ब्लैक गोल्ड सीरीज है उसी की तरह से रहेगी पूरी की पूरी। अब जैसे कस्टमर की बाइक हमारे पास आ जाती है तो बाइक आने के बाद हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है बाइक की इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग कस्टमर को श्योरिटी देते हैं कि हम आपको शोरूम कंडीशन बाइक प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के ऊपर हमें चेक करना पड़ता है, उसके जितने भी फ्लॉज हैं उसको कवर अप करना, उसको चेक करना पड़ता है कि उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, उसको रेक्टिफाई कर सके। अब इस गाड़ी के टाइम पे क्या हुआ था कि जब हमने ये गाड़ी हमारे पास आई थी तो हमने ओवरऑल इसको चेक किया तो हमें पता लगा कि इसकी फ्रंट सस्पेंशन जो है हमें वो चेंज करनी पड़ेगी सारी की सारी टोटली, क्योंकि सस्पेंशन लीक कर चुकी थी, उसमें थ्रेड्स की उसके जो सस्पेंशन की जो रॉड होती है उसके अंदर कट्स पड़ चुके थे, तो हमें सस्पेंशन चेंज करना पड़ा था। उसके बाद हमें इसके बेयरिंग्स इंजन जो सॉरी व्हील्स के बेयरिंग्स हैं वो चेंज करने पड़े थे, उसके बाद हमने इसकी वायरिंग चेंज की थी। तो ये तो मैंने आपको दो तीन मेजर पॉइंट्स बता दिए, उसके अलावा हमें इसमें 30-40 पार्ट्स जो ऐसे हैं जो हमने छोटे से लेके बड़े तक सारे के सारे चेंज किए थे, सो दैट कि कस्टमर को कहीं पे भी बाइक बनने के बाद नियर अबाउट 1 या 2 ईयर्स के लिए मोटर सर्विस कुछ और इन्वेस्ट करना पड़े, क्योंकि हम लोग उसको श्योरिटी दे रहे हैं कि कस्टमर की शोरूम कंडीशन बाइक बन चुकी है। जैसे कि इंस्पेक्शन होने के बाद हमने सारे फ्लॉज जो है इस गाड़ी के निकाल दिए हैं, सारे पार्ट्स इसके एकदम रेक्टिफाई कर दिए हैं, उसके बाद गाड़ी की पेंटिंग का काम शुरू होता है। तो पेंटिंग का काम शुरू करने से पहले इंजन की बफिंग करना पड़ता है। इंजन की बफिंग करने के बाद हमें उसको पूरा उसमें से जितना भी डर्ट होता है, जितने भी उसके ऊपर दाग होते हैं, वो सारे हटाने के बाद हमें इसके ऊपर प्राइमर करना पड़ता है। क्योंकि प्राइमर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो हम इंजन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इस इंजन को पूरा ब्लैक पेंटेड किया है, वैसे ही पूरा का पूरा ब्लैक पेंट करने के लिए हमें प्राइमर्स की 3 कोट अप्लाई करनी पड़ती है इंजन के ऊपर, सो दैट कि कल को हीट की वजह से वो कहीं ना पेंट ना उतर पाए। क्योंकि हम इंजन के लिए भी 6 मंथ्स की वारंटी देते हैं कि हम लोग जो इंजन के ऊपर पेंट करते हैं उसके ऊपर भी 6 मंथ्स की वारंटी देते हैं हम सारे के सारे। इंजन के ऊपर पेंट होने के बाद, प्राइमर होने के बाद, सारे पार्ट्स जो हमें लगते हैं कि जिनको प्राइमर करना है, पेंट करना है, वो सभी के सभी पार्ट्स को हम प्राइमर करके इंजन के ऊपर पेंट करके वो सारा का सारा उसको कवरअप किया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर ब्लैक पेंट किया जाता है। ब्लैक पेंट करने के बाद गाड़ी को थोड़ी देर के लिए पार्ट्स को रेस्ट करने दिया जाता है। रेस्ट करने का कहने का मतलब ये है कि पार्ट पेंट को सूखने के लिए पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाता है। पेंट सूखने के बाद गाड़ी का फिर से असेंबलिंग पार्ट शुरू हो जाता है, गाड़ी को वन बाय वन हम असेंबल करना शुरू कर देते हैं। अब जब हमने गाड़ी की असेंबलिंग करनी शुरू कर दी थी तो असेंबलिंग में सबसे जब हमने धीरे धीरे असेंबलिंग करनी शुरू की तो हमें पता लगा कि इसकी सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन चेंज करने के बाद इसकी लॉक में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हमने इसकी पूरी की पूरी असेंबली फ्रंट की टी वगैरह सब कुछ चेंज किया था, तो वहां पे उस लॉक को रेक्टिफाई करना पड़ा। और वो लॉक ने हमारे कम से कम 2 से 3 दिन लिए, क्योंकि टेक्निकली हम गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें उसको टेक्निकली रखते हुए ही लॉक के जो फ्लॉ है उसको सही रेक्टिफाई करना था। बट एट द एंड वो फ्लॉज हमने सारे के सारे कंप्लीट अप कर दिए थे। सस्पेंशन वाला लगाने के बाद हमने इसका लॉक सेट सही करने के बाद हमें सेकेंड जो मेजर प्रॉब्लम आई इसकी बाइक में वो थी वायरिंग, क्योंकि जब हमने इसका टेक्निकल इंस्पेक्शन किया था तो वायरिंग बहुत जगह से कटी हुई थी, जिसके कारण वो सर्दियों में सॉरी रेनी सीजन में या बाकी जगह पे वो क्या होता था, अर्थिंग ले जाती थी, बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम आती थी, ऐसे ऐसे इश्यूज आते थे कि फंक्शन नहीं हो पाते थे प्रॉपरली, बैटरी डेड हो जाती थी, जल्दी ड्रेन आउट हो जाती थी। तो हमने क्या किया उस केस में, तो हमने टोटली वायरिंग चेंज कर दी, और वायरिंग हमें रॉयल एनफील्ड के जो थ्राइस पॉइंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वहाँ से मंगा के इसमें ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड की हमने इसमें वायरिंग इंस्टॉल की है। वायरिंग इंस्टॉल करने के बाद और बाकी सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद अब ये गाड़ी एकदम ओके हो गई है। बुशेस डालने के बाद इसके सारे स्विंग आर्म के बुशेस चेंज किए हमने, व्हील बेयरिंग्स चेंज किए, ब्रेक पैड्स चेंज किए, बहुत सारा छोटा छोटा ऐसा ऐसा काम किया हमने, ग्रीसिंग की गाड़ी को सही तरीके से, पूरी की पूरी गाड़ी एकदम शोरूम कंडीशन हो गई। और उसके बाद हमने इसको असेंबल करना शुरू कर दिया। असेंबलिंग जब हम धीरे धीरे करते जा रहे थे तो बहुत जगह पे हमें छोटे छोटे ऐसी ऐसी जगह के फ्लॉज मिले। वो फ्लॉज क्यों मिले हमें, क्योंकि गाड़ी बेसिकली 2010 मॉडल थंडरबर्ड थी, जिसको कि कस्टमर ने पहले से ही मॉडिफाई करवाया था 2014 में।
तो उन्होंने कुछ चेंजेस ऐसे किए हुए थे बाइक के साथ ऑलरेडी की, जिसके ऊपर हमें अपने पार्ट्स लगाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। बट हमें तो एज पर नॉर्म्स चलना था, हमें कुछ कटिंग नहीं करना था, हमें कुछ वेल्डिंग नहीं करना था, तो हमें वो चीज़ों पे कुछ करने में दिक्कत आई। बट विद द हेल्प ऑफ कंपनी, कंपनी की हेल्प के साथ, हमें वरदानची की हेल्प के साथ इस काम को हमने आगे इनिशिएट किया और उसको प्रॉपरली कंप्लीट किया, क्योंकि हमें बहुत हेल्प हुई हमारी वरदानची की तरफ से कि उन्होंने हमें पार्ट्स के रिगार्डिंग बता दिया कि आप इसको ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। टेक्निकल टीम ने बहुत हेल्प की थी। अब ये गाड़ी डिलीवर करने से पहले हमारा टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है, तो टेस्टिंग में ये नहीं होता कि हमने 2-3 किलोमीटर चलाई या 5 किलोमीटर चलाई और कस्टमर को बोला ओके ले जाओ। सर हमारा कम से कम 3 दिन का टेस्टिंग पीरियड होता है, जिसमें हम लोग अलग अलग ट्रेन में बाइक को चलाते हैं। ये नहीं है कि रोड के ऊपर चलाई और हमने देखा गाड़ी मक्खन जैसे चल रही है तो कस्टमर को दे दो। हमने उसको मिट्टी में भी चलाया, हमने उसको गंदे रस्ते पर भी चलाया, ऊपर खापट रस्ते पर भी चलाया, और वो सब कुछ चलाने के बाद हमने A to Z जब हमें श्योरिटी हो गई कि ना गाड़ी अब एकदम ओके हो गई है, फिट फॉर रन हो गई है, तो हमने फिर कस्टमर को कॉल करके बताया कि सर आपकी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ये सारा कुछ उसमें रहा है, और वो सारी चीज़ें हमने ओके करके कस्टमर को वीडियो शेयर करके आपके साथ भी वीडियो शेयर करेंगे कि गाड़ी बनने के बाद कैसी रही है, देखने के बाद चलाने के पे गाड़ी कैसी थी। के बाद क्या था कि कस्टमर जो हमारे हैं वो कर्नाटक से थे बेसिकली, तो कर्नाटक से हमारे पास आने के लिए आने को तो आ सकते थे वो, बट इशू क्या था उनका टाइम शेड्यूल, तो वो खुद ब खुद नहीं आ पाए। तो उन्होंने हमारी जो सर्विस है गति ट्रांसपोर्ट की, जिसमें कि हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस अवेलेबल है, हमने उस सर्विस का यूज़ किया था कस्टमर के लिए, और उस सर्विस के थ्रू कस्टमर को गाड़ी पठानकोट पंजाब से हमने कर्नाटक डिलीवर की थी विदाउट एनी स्क्रैच, क्योंकि पैकिंग जो हम लोग करवाते हैं गाड़ी बनने के बाद, नो डाउट हम लोग चार्जेस उसमें कस्टमर से हम नहीं गति वाले चार्जेस लेते हैं, बट वो हम पैकिंग ऐसी करवाते हैं ताकि वो विदाउट एनी स्क्रैच पहुंचे। और पहुंचने के बाद कचोट कस्टमर का मुझे कॉल आया था, और कॉल आने के बाद उन्होंने मुझसे शेयर भी किया था कि गाड़ी विदाउट एनी स्क्रैच वहां पे पहुंच चुकी है और कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश है अपनी इस गाड़ी के साथ। अब जैसे मैं बार बार आपको लोगों को बता रहा था कि मैं वरदानची से हूँ, वरदानची से मुझे बहुत हेल्प मिली, हमारा कंपनी है, तो वरदानची इज बेसिकली कंपनी इन मॉडिफिकेशन। हम लोग 2005 में मॉडिफिकेशन में आए थे, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बहुत प्राउडली शेयर करना चाहूँगा कि कुछ पिक्चर्स हैं जिनमें हमारी बाइक्स भी आई, और कुछ लोग आप लोग जानते भी होंगे, जैसे ओ माय गॉड पिक्चर में हमारी बाइक आई थी अक्षय कुमार जी ने चलाई थी, जो कि डिजाइंड और बनाई गई थी वरदानची द्वारा। और अभी जो रिसेंटली 3 दिसंबर को पिक्चर लॉन्च हुई है चड़क पिक्चर, जो सुनील शेट्टी जी के बेटे की पिक्चर लॉन्च हुई है, उसमें भी जो हमने बाइक मॉडिफाई की है, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार उसको भी गौर कीजिएगा, आप देखिएगा जरूर। और उसके अलावा हमारी कंपनी के स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया में हैं, जैसे कि मुंबई में हमारे स्टोर्स अवेलेबल हो जाते हैं, पटना में हमारे स्टोर्स हैं, पंजाब में हमारा स्टोर है। उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर्स के लिए, मैं आपको कहूँगा कि हमारी कंपनी की वेबसाइट www.vardanchi.com पे आप जरूर जाइएगा। और उसके अलावा अगर आपको पंजाब या पठानकोट से कहीं भी इंक्वायरी या कुछ भी पूछना होगा, तो प्लीज़ मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8725838400। थैंक यू।